अगर आपको कर्ली हेयर बहुत पसंद है और आपको हीट टूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपको इतने अच्छे कर्ल्स चाहिए तो आपको दो पार्टीशन में आपकी हेयर्स करने पड़ेंगे और अच्छे से लाइक दो इक्वल वे में पार्टीशन करना पड़ेगा और उसको अच्छे से कोम करना पड़ेगा। कोम करने के बाद एक ऐसे चुन्नी लेनी पड़ेगी, इस स्कार्फ है छोटा सा जो मैंने मार्केट से लिया था, इसको अच्छे से क्लचर के हेल्प से सिक्योर करना है आपको। और इसको आपने पूरे जो एक सेक्शन आपने दो सेक्शन बनाए थे उसमें के एक सेक्शन को पूरा ऐसे राउंड 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 करना है ताकि बहुत अच्छे से हो हमारे बाल कर्ल। और बेसिकली इसका एक थिंग होगा, मतलब आप जितना टाइट करोगे आपके कर्ल उतने ही टाइट रहेंगे। ये बेसिकली मैंने 3 से 4 आवर के लिए ही किए थे, तभी भी इतने अच्छे कर्ल हुए मेरे, आप लास्ट में देख सकते हो। तो आपको अच्छे से टाइट करना है, अगर आपका कोई भी सेक्शन छूटता है मतलब एक पूरा सेक्शन करना है और आधा होने के बाद उसमें दूसरा सेक्शन आपको ऐड करना है। ऐसे ही पूरे बालों को आपको ट्विस्ट करना है प्रॉपर वे में। और ये इतना ज़्यादा ट्रिकी काम नहीं है, मतलब हीटिंग अप्लाइंसेस यूज़ करने से तो बेटर है कि ऐसे हेयर्स नेचुरली कर्ल करे। और या जिसको भी मेरी तरह कर्ली हेयर्स पसंद है आप ऐसे सेट कर सकते हो हेयर्स प्रॉपर वे में। और ये ऐसे भी नहीं है कि इजीली कर्ल रिमूव होंगे, एक्चुअली ना इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ही बालों को कोई भी लाइक डैमेज नहीं होगा और सेकेंड ऑफ ऑल इस वजह से आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे नेचुरली। और ये कर्ल इतने अच्छे देर तक रुकते हैं, मतलब आपने अगर मैं सुबह करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे तक के भी अच्छे कर्ल मिलते हैं, इसे बिना मैं खोल के ही रखती हूँ तभी भी इतने अच्छे। अभी मेरी एक साइड हो चुकी है और मैं अभी दूसरे साइड को सेम कर रही, मतलब ऐसे ही आपको एक सबसे पहले एक लेयर लेनी है, उसको अच्छे से ट्विस्ट करना है उस कार पे, और जैसे ही लेयर ख़त्म होने को आती है दूसरी लेयर लेना है, ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करते 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 सारे बालों को ऐसे ट्विस्ट करना है आपको। और मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, आई कांट इवन टेल यू, मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे ऐसे लगा था हो गए नॉर्मल से हो गए, इतने अच्छे भी नहीं हो गए, बट इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे आए थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तब से मैं ये बहुत दिनों से ऐसे करती हूँ, जब मेरे बहुत लंबे हेयर्स थे तब भी मैं ये करती थी, मैंने एकदम शॉर्ट हेयर्स किए थे बीच में तब भी मैं ये फॉलो करती थी। और इससे ना बहुत जल्दी हेयर सेट हो जाते हैं, पूरे दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं और पूरे दिन के लिए सेट हेयर्स रहते हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के बाद मैं अभी इसे खोल रही, तो आप देख सकते हो मतलब ये फर्स्ट लेयर है जो मैं इसको इससे लाइक निकाल रही हूँ। पहले तो दोनों भी खोल रही, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कौन सा खोलूँ कौन सा नहीं, तो मैंने सोचा चलो यही खोल लेते हैं फर्स्ट वाला। अभी ना हम लास्ट के पॉइंट तक क्या है, आप देख सकते हो एक साइड कितनी अच्छी लग रही है मेरे बालों की, लाइक परफेक्ट कर्ल वाली। और इधर की भी मैं वैसे ही निकाल के आपको बताऊंगी लास्ट तक के। आपको मुझे बताना है आपको आपके बालों में कर्ल हुआ है या नहीं, आपने ऐसे इसके पहले करके देखा है या नहीं देखा है। अगर आपने देखा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ हमने देखा है, नहीं देखा होगा तो बताना है कि हम देख लेंगे अभी ये वीडियो के बाद। तो वीडियो कैसे लगा तो आपको बताना है, और आपको कल मेरे कैसे लगे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।